हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ब्राइटनेस। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो एक फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन लेने का, तो आप यहां पर देख सकते हो Xiaomi की तरफ से MI 11T Pro। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारा आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन की। तो ये स्मार्टफोन आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब आप यहाँ पर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। साथ ही इस फोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये स्मार्टफोन आपको एल्यूमिनियम बेस विथ थिक पेंट एंड ग्रेफी फिनिशिंग, डस्ट एंड प्लस रेसिस्टेंट IP53 प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड V11 बेस पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बेसिक फीचर की तो बात कर ली, अब बात करते हैं इस फोन की मेन फीचर की। तो इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग, HDR10+, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 5-fold डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, डिस्प्ले के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में आपको कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन की कैमरा की, तो इस फोन के अंदर आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर 108MP मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, साथ ही 5MP माइक्रो लेंस विथ डुअल कलर LED फ्लैश देखने को मिल जाएंगे, और फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहां पर आप दोनों कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस फोन की प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 5nm बेस में काम करता है। दोस्तों, ये एक हैवी गेमिंग प्रोसेसर है, इसमें आप हाई ग्राफिक्स में भी गेम प्ले कर सकते हो विदाउट किसी लैग के। इतना ही नहीं, इस फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी, 120W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, और ये फ़ोन 100% फुल चार्ज होने में ओनली 17 मिनट्स लगेंगे। और ये स्मार्टफोन आपको दो ब्रांड में देखने को मिल जाएगा, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, और 12GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज। इसके अलावा यहाँ पर UPS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे, जिसका मतलब यहाँ पर आप ऐप लोडिंग टाइम भी काफ़ी तेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन 3 कलर्स में अवेलेबल होंगे, मेटोरिक ग्राई, मूनलाइट व्हाइट और सेलेस्ट्रियल ब्लू, और इस फोन की वेट लगभग 204 ग्राम्स। और ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है November 18, 2021 एक्सपेक्टेड, और इसका मार्केट प्राइस है 56,390 रुपीज़ एक्सपेक्टेड। इसके लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।